Hello everyone, this is Hina. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about 5 most developed habits in kids. सभी parents की तरह आप भी अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है. तो बच्चे जो है वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं. शुरुआत में आप उन्हें जिस शेप में ढालना चाहो आप आसानी से ढाल सकते हो. इसीलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे habits के बारे में जिनको आप बिगिनिंग से अपने बच्चों में डेवलप करते हैं तो आपके बच्चों को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. और इसी के साथ हम बात करेंगे इन हैबिट्स को आप अपने बच्चों में किस तरह ग्रो कर सकते हैं और देखेंगे ये हैबिट्स आपके बच्चों के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं. तो चलिए फिर लेट्स कम टू द पॉइंट और वीडियो की शुरुआत करते हैं. सेल्फ डिपेंडेंसी यानी अपनी छोटे छोटे कामों के लिए खुद पर डिपेंडेंट रहना एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी आदत अगर आप बचपन से अपने बच्चों में डालते हैं तभी ही ये बड़े होकर देखने को मिलती है. ये आदत उनके सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में हेल्प करेगी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. खुद पर डिपेंडेंट रहने की ये आदत उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाली है. हार्डवर्क उनका नेचर हो जाएगा और वो लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने से नहीं घबराएंगे. तो इस आदत को अपने बच्चों में डेवलप करने के लिए हमको हमारे बच्चों को DIY किड बनाना होगा. DIY का मतलब होता है डू इट yourself. तो जैसे घर के छोटे छोटे काम होते हैं जैसे खाना खाने के बाद प्लेट उठाना, अपने लिए पानी लेना, अपने कपड़े फोल्ड करना, प्लांट को पानी देना, अपनी बुक शेल्फ ऑर्गेनाइज करना, अपनी बैग पैक करना, तो ऐसे तमाम छोटे काम आप खुद उनसे ले और इस तरह छोटे छोटे कामों के ज़रिए आप उनमें सेल्फ डिपेंडेंसी की आदत को नर्चर कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि ये हैबिट उनको लॉन्ग टर्म में कितनी बेनिफिशियल साबित होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट टॉलरेंसी जो है वो दो तरह की होती है. एक होता है टॉलरेंट टू अदर्स और एक होता है टॉलरेंट टू द सिचुएशन. टू प्रैक्टिस बोथ द सिचुएशन वी शुड स्टॉप ओवर पैम्परिंग अवर किड्स. या इस पॉइंट को ध्यान से समझने की ज़रूरत है. ओवर पैम्परिंग से बचने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों का ख्याल करना छोड़ दें. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा साइकिल चला रहा हो और साइकिल से कभी ना कभी वो गिर के उसको चोट ना आए, तो ऐसी अनगिनत सिचुएशन हमारे सामने आती रहती है. तो ऐसे में अपने बच्चों के ओवर प्रोटेक्शन या ओवर पैम्परिंग ना दें बल्कि उन्हें दर्द से टैकल करना सिखाएं. टॉलरेंसी के हैबिट को और डेवलप करने के लिए आप उन्हें एनिमल लवर्स बना सकते हैं और आपके ये छोटे छोटे एफर्ट्स उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, उन्हें मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे और इसी के साथ उनमें एक तरह की काइंडनेस हम्बलनेस आएगी. वो लोगों को सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखेंगे. देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बींग टॉकेटिव एंड बींग एक्सप्रेसिव. वैसे तो हमारे बच्चे बात करने में उस्ताद होते ही है लेकिन यहाँ हमें उन्हें खुद को एक्सप्रेस करना सिखाना होगा. खुद को एक्सप्रेस करने की हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा. टेल देम हाउ मच यू लव देम, हाउ डू यू फील अबाउट देम. उनके लाइक और डिसलाइक जानने की कोशिश करो और आप देखेंगे किस तरह ये हैबिट उनके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करती है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों को खाना खिलाने या सुलाने के लिए भूतों की आत्माओं की कहानियां सुनाकर डराते हैं तो ऐसा करना आज ही छोड़ दें बिकॉज़ यू हैव नो आइडिया कि ये चीज़ उनके साइकोलॉजी पे कितना बुरा असर डालती है. और यही हमारा आज का चौथा पॉइंट है. अपने अपने बच्चों को फियरलेस बनाना है जिससे उनका सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन को फेस करने से नहीं घबराएं. मेरे ख्याल से हम सारे ही लोग हार्डवर्क की अहमियत को अपनी लाइफ में समझते हैं. तो इस हैबिट को अपने बच्चों में नर्चर करने के लिए आपको उन्हें हमेशा बिजी रखना है. और यहाँ जो पॉइंट मैं प्रीवियसली समझा चुकी हूँ वो फिर से इसमें आता है कि अपने बच्चों को ओवर पैम्परिंग ओवर प्रोटेक्शन से बचाए, उन्हें चीज़ों की पैसों की मेहनत की वैल्यू समझाए और वो हार्डवर्क की वैल्यू को समझ पाएंगे. और ये जो है छोटे छोटे पॉइंट्स है और मुझे यकीन है कि तकरीबन हम सब इनके बारे में पहले से ही जानते हैं लेकिन हमने इनके बारे में गौर नहीं किया है. तो ये जो पॉइंट्स है ये हैबिट्स है
वो आपके बच्चों को एक सेल्फ स्टीम से भरपूर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर और एक कामयाब इंसान बनाने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो छोटी उम्र से, कच्ची उम्र से इन पर अच्छी तरह काम करें। और अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुँचे, मतलब यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद भी मोटिवेट हो और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करते रहे।